हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर, ज्यादा रहेगा ये तो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक करना ना भूलें प्लीज। स्टार्ट करते हैं अरस्तु। तो पहला क्वेश्चन है, अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री का जन्म यूनान में कहां हुआ था? तो यह हुआ था आपका स्टेन जीरा, यानी कि का आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा शुरू किए गए स्कूल जिसको लेजियम का कहा जाता था, उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा ग पेरी पैटेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अरस्तु किसके अनुयायी थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ही इनके जो है अरस्तु के गुरु रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? तो आंसर चलिए लगाइए, आंसर होगा आपका सी, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असहचर्य। यहां पर अगर साहचर्य होता तो हो जाता ये भी करेक्ट, लेकिन असहचर्य है, यानी कि ये आपका आंसर होगा। दूसरा है आपका, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ देखते हैं, सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका अंडरवुड, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायोगिक संक्रियाओं के आधार पर अनुबंधान के कितने प्रकार हैं? तो ये है आपके, आंसर लगाइए, आंसर है दो। प्राचीन अनुबंधान का सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो आंसर है इसका पेवलोव, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव के द्वारा किए गए अनुबंधान संबंधी प्रयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर लगाइए, इसका हो जाएगा आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, ए आंसर सही होगा। फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंध का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है आपका डी आंसर हो जाएगा, पेवलोव को ही कहा जाता है। अनुबंध क्या है? तो अनुबंध सहचारी स्थापित व्यवहार नई परिस्थितियों में सामंजस्य, तो ये सहचारी, यानी कि ये ए आंसर सही हो जाएगा। पेवलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाली लार को एकत्र किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि है। थॉर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रत्यय तथा त्रुटि द्वारा, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है थॉर्नडाइक को जाता है, और जितने भी आपको सीखने से रिलेटेड है स्टार्टिंग का, वो थॉर्नडाइक का ही है, उस पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंध है? तो ये आप, पिटाई मतलब दंड, तो आंसर हो जाएगा सी, दंड प्रशिक्षण। किसी बालक से यह कहना कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, किस प्रकार के अनुबंधान का उदाहरण है? अकर्म प्रशिक्षण होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पेवलोव कुत्ता सही है, स्किनर चूहे, थॉर्नडाइक बिल्ली सही है, कोहलर बिल्ली ये गलत है आपका। तो कोहलर क्या था, चिंपैंजी और बंदर के साथ किया था, तो चिंपैंजी नहीं है, तो ये हो गया आप करेक्ट। प्रकाश पर पड़ने पर आंखों का झपकना या भोजन करते समय लार का निकलना किस प्रकार का व्यवहार है? ए आंसर होगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, यानी कि ए आंसर सही है। घंटी बजने पर दरवाजा खोलना होगा, यहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार है? तो आंसर होगा इसका ऑपरेटर व्यवहार, यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, देख लेते हैं, थॉर्नडाइक नैमित्तिक अनुबंधन अभी देखे थे, पेवलोव प्राचीन और अनुबंधन ये भी सही है, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, वॉटसन का अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि तो नहीं था इसका,
यही है आंसर आपका, डी हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? तो देखिए, ऐच्छिक अनैच्छिक, सहज क्रियाओं का और या उपर्युक्त सभी का। आंसर है बी, अनैच्छिक क्रियाओं का हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन में किस प्रकार की सॉरी क्रियाओं का अनुबंधन होता है? तो ये होगा सहज अनैच्छिक ऐच्छिक प्रवर्तित क्रिया। तो 18 का आंसर है सी, ऐच्छिक क्रियाओं का। किस प्रकार के अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं होता? तो ये होगा आपका आंसर ही लगाते हैं, प्राचीन अनुबंधन में पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया है? तो ये होगा आपका समीप्यता हो जाएगा सी, आंसर होगा कॉन्टिग्युइटी। चलिए दोस्तों, तो यूं ही चैनल पर बने रहिए और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।